बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भू सतह पर जनसंख्या जो का जो स्थानिक वितरण है उसके संबंध में जो अनुपात है उसको हम जनसंख्या घनत्व कैसे कहते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र में एक दूरी ली जाती है और उस दूरी के अंतर्गत जितनी जनसंख्या निवास करती है, यानी एक किलोमीटर के अंदर जितनी जनसंख्या है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। जनसंख्या घनत्व जो होती है वो विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे कि इसमें कई सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक होते हैं। जैसा पहले के लेक्चर्स में भी मैंने बताया कि जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वही जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिनके बारे में हम अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो उसमें वही कारक लिखने हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम दोबारा उनके बारे में इस लेक्चर में चर्चा नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से निकाला जाता है, इसके अलावा विश्व में किस तरह से जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। तो जनसंख्या घनत्व, जैसे मैंने बताया कि किसी भी स्थान विशेष पर जो जनसंख्या का वहाँ के स्थान के संबंध में अनुपात है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकारों के अंतर्गत हम देखें तो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर इसके 6 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गणितीय घनत्व। सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, जो निकाला जाता है, जिस घनत्व को आधार बनाया गया है वो बनाया गया है गणितीय घनत्व को। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी इसमें देखा जाता है कि प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है और कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, उसका जो अनुपात निकलता है वो जनसंख्या का घनत्व है। यानी जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए, गणितीय घनत्व निकालने के लिए, उस क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें रहने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है उससे उसमें भाग दिया जाता है, इसी को हम जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। जनसंख्या का जो वितरण है वो ही जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है। जनसंख्या का घनत्व निकालने का जो गणितीय सूत्र है वह है क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। माना किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 50 व्यक्ति है और वहाँ का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर, तो 50 में 100 का जो हम भाग देंगे तो उससे जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो कहलाएगा वहाँ का जनसंख्या घनत्व। गणितीय घनत्व के बाद जो सेकंड घनत्व आता है वो है आर्थिक या आंकिक घनत्व। इसमें देखा जाता है कि किसी भी प्रदेश का जो आर्थिक घनत्व है उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो उस क्षेत्र में जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और उन उत्पादन क्षमता पर कितनी जनसंख्या का भार है, यानी किसी भी क्षेत्र में जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों के माध्यम से कितनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की आपूर्ति की जा रही है। तो इसे निकालने का सूत्र है आर्थिक घनत्व बराबर जनसंख्या का सूचकांक, जिसे हम POB कहते हैं, बटे उत्पादकता का सूचकांक, यानी कितनी जनसंख्या है उसका सूचकांक और कितने आर्थिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन हो रहा है उसका सूचकांक गुणा 100। इसके माध्यम से हमारा आर्थिक घनत्व निकलता है। तीसरा जो आता है वो आता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व का मतलब है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि है उसका अनुपात, यानी कृषि योग्य भूमि कितनी है, मानव और जो कृषि योग्य भूमि है उसके अनुपात को हम इसमें शामिल करते हैं। कायिक घनत्व निकालने का सूत्र है क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्र की कुल कृषि योग्य भूमि। इसके बाद जो हमारा चौथा आता है वो है कृषि घनत्व। इसमें देखते हैं कृषि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या का भार। कायिक घनत्व और कृषि घनत्व दोनों में अंतर है। कायिक में तो कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि दोनों देखी जाती हैं, कृषि घनत्व में देखा जाता है कि कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है प्रति वर्ग किलोमीटर में और उसमें
कृषक जनसंख्या कितनी है, यानी कितने लोग उस पर कृषि कार्य कर रहे हैं। कृषि घनत्व में भूमि पर जो वहन क्षमता है उसको आंकने, खाद्यान्न उपलब्धता को ज्ञात करने व किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या अतिरेक आदर्श जनसंख्या व अल्प जनसंख्या के आकलन में सहायक होता है। यानी इसके माध्यम से पता लगता है कि किसी भी क्षेत्र की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। इसे निकालने का सूत्र है कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कृषि योग्य भूमि। इसके बाद में जो पांचवा प्रकार आता है वो है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में हम देखते हैं किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या और वहाँ पर जो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हो रहा है, यानी कितने क्षेत्रफल के अंतर्गत इस फसल का उत्पादन हो रहा है, इन दोनों के मध्य का अनुपात। प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को खाद्य पदार्थ प्राप्ति हो रही है, इसके बारे में जो है वो इसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सूत्र है पोषण घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलें बोई जा रही हैं। और अंतिम जो छठा है वो है काष्ठा घनत्व। काष्ठा घनत्व का मतलब है किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग क्रम तथा मानव वहन क्षमता, इनके बीच में जो अनुपात है उसे प्रति वर्ग इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस अनुपात को काष्ठा घनत्व कहते हैं। इसे निकालने का सूत्र है 100 कोष्टक में सी बटे एफ गुणा ए बटे एल। इसमें सी का मतलब है कृषिगत भूमि का विस्तार, यानी कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है। एफ का मतलब है प्रति भूमि का विस्तार, यानी कि ऐसी भूमि जो प्रति छोड़ी जाती है वो कितनी है। ए का मतलब है प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्र और एल का मतलब है पारंपरिक विधियों से बोई गई भूमि का प्रतिशत। तो इस तरीके से 6 प्रकार हैं, 6 आधार हैं जनसंख्या के घनत्व को प्राप्त करने के। इन 6 आधारों पर विभिन्न प्रदेशों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो ज्ञात किया जाता है। यानी कहीं गणितीय, कहीं पोषणीय, कहीं कायिक आदि अलग अलग तरह से जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं तो जितने भी जनसंख्या घनत्व हैं इसमें गणितीय घनत्व जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं वो हमें स्थानीय स्तर यानी किसी भी स्थान विशेष से लेकर हमें विश्व स्तर पर भी उपलब्ध हो जाते हैं और इससे ही प्रत्येक स्थान की जो जनसंख्या है उसका घनत्व मालूम होता है। पूरे विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या का जो घनत्व है उसमें काफ़ी अधिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम बात करें तो जैसे ग्रीनलैंड, जो शीत प्रदेश के क्षेत्र हैं, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया, इसमें एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या मिलती है, यानी एक किलोमीटर में एक व्यक्ति ही मिलेगा। और दूसरी ओर जैसे हम सिंगापुर की बात करें तो इसमें एक किलोमीटर में लगभग 7,565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस वॉशिंगटन के अनुसार 2011 में जो विश्व का जनसंख्या घनत्व था टोटल वो था 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन क्षेत्रीय असमानता इसमें भी देखने को मिलती है, यानी हर जगह जो घनत्व है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखें तो एशिया में 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी अमेरिका में 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ओशिनिया में 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। यानी इस तरह से हम देखें तो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वो अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। अब ये विश्व का जो नक्शा है हमारा, इसमें प्रमुख जो जनसंख्या घनत्व क्षेत्र हैं उनको दर्शाया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैंक क्षेत्रों के बारे में। ये जो ब्लैंक क्षेत्र हैं इनमें जो जनसंख्या घनत्व है वो 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, क्योंकि ये क्षेत्र जो हैं वो जनसंख्या के अनुकूल नहीं है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो जनसंख्या के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है कम देखने को मिलता है। इसके बाद जो सेकंड आता है उसमें आती हैं ये डॉटेड लाइंस, ये जो डॉट डॉट्स लाइंस बनी हुई हैं सारी, इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 6 से और 10 के बीच में देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो नेक्स्ट क्षेत्र आते हैं वो है 11 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के। इसमें ये जो थोड़े थोड़े लाइनिंग्स वाले क्षेत्र हैं काले काले, इनको सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में आते हैं 101 से 250,
जिसमें लगभग हमारा जो भारत के ये जो क्षेत्र हैं जिनमें जालनुमा सी आकृति बनी हुई है, इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट आता है 250 से अधिक, जिसमें जो बिल्कुल ब्लैक क्षेत्र हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कालापन देखने को मिल रहा है, ये सभी क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो अलग अलग देखने को मिलता है। हर क्षेत्र में वहाँ उपलब्ध संसाधन, वहाँ उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर जो जनसंख्या का घनत्व है वह अलग अलग है। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण वृद्धि और घनत्व, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।